हरदोई जिले का कुख्यात शराब माफिया व सपा नेता सुभाष पाल की संपत्ति कुर्क, हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर, शराब माफिया जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में शराब माफिया घोषित किया गया था। सुभाष पाल, अवैध तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार व नगर क्षेत्राधिकारी विकास जायसवाल ने मौके पर पहुंचकर फतेहपुर स्थित सुभाष पाल की भारत गैस एजेंसी को कुर्क किया। पुलिस ने सपा नेता सुभाष पाल की करोड़ों की कीमत की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्यवाही की। पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों को संदेश दिया कि ऐसे किसी भी माफियाओं, काले कारनामे करने वालों व अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा जो गरीबों का हक मारकर व अवैध धंधों में शामिल होकर अचूक संपत्ति इकट्ठा करके ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। सुरसा थाना क्षेत्र के फतेहपुर में हुई कार्यवाही। जनपद हरदोई का रहने वाला सुभाष पाल एक बहुत ही कुख्यात शातिर हिस्ट्री शीटर, रजिस्टर्ड शराब माफिया है, जिसके पूरे रैकेट का पर्दाफाश करते हुए हरदोई पुलिस ने, प्रशासन ने इस पे मुकदमे लिखे, इस पे गैंगस्टर की कार्यवाहियाँ की और जिलाधिकारी महोदय हरदोई के आदेशानुसार गिरोहबंद अधिनियम के धारा 14(1) के तहत इसकी तमाम प्रॉपर्टी को जो काले कारनामों से इसने कमाई थी उसको सरकार के पक्ष में जब्त किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये गैस एजेंसी पे हम लोग खड़े हैं जिसने अपने काले कारनामों से कमाई हुई संपत्तियों से इसने बनाया है, आज इसको हम लोग जब्त कर रहे हैं। इसके अलावा इसका पेट्रोल पंप है, काले कारनामों से इसने ज़मीनें खरीदी हैं, उन सभी को सरकार के पक्ष में जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। सुभाष पाल, इसका भाई, सगा भाई सुधीर पाल, इसकी पत्नी, इसकी माँ, तमाम लोगों के नाम इन लोगों चतुराई से सारी संपत्तियों को इसके नाम कर रखा है ताकि पकड़ा ना जाए, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से इसका काला चेहरा बेनकाब हो रहा है और इसकी सभी संपत्तियां लाइट में